नमस्कार, मैं हूं अरबाज शेख और आप देख रहे हैं ऐसा लाइव निमाड़ न्यूज। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कुंजी और गाइड के रास्ते परीक्षा पास करने की जुगत में लगे छात्र छात्राएं, बाजारों में सभी विषयों की कुंजी उपलब्ध। सोनीपुरा बलवाड़ी की महिलाओं को बताए कानूनी अधिकार, महिला सशक्तिकरण के लिए जुटा पुलिस अमला। निमाड़ की मटरफली की मिठास महाराष्ट्र और गुजरात तक पहुंच रही है, किसान ने बतौर प्रयोग के लिए छोटे रकबे में बोई थी फसल। अब खबरें विस्तार से। साल भर शहर की प्राइवेट स्कूलों में और शहर के नामचीन ट्यूटोरियल में पढ़ने के बाद भी स्कूली बच्चों को 20 क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ रहा है। सवाल बड़ा गंभीर है। सोचिए, फीस के नाम पर पालकों की जेबें काट रही स्कूलों में आखिर हो क्या रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और निजी स्कूलों में पढ़ाई कराते शिक्षकों द्वारा अपने यहाँ कोचिंग के लिए प्रेरित करने के कारण आज अधिकांश छात्र छात्राएं शॉर्टकट तरीके से परीक्षा पास करना चाहते हैं। इनके लिए वे कुंजी और गाइड का सहारा लेते हैं। परीक्षा नज़दीक आते ही सभी विषयों की कुंजी और गाइड से बाजार पट जाते हैं। मार्च में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की परीक्षाएं सर पर हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि महंगी फीस लेकर शिक्षा और संस्कार देने वाले इन शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक जब 5 घंटे तक स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते तो 1 घंटे की कोचिंग में कौन से झंडे गाड़ देंगे। आखिर छात्र छात्राएँ तो वही गाइड और कुंजी खरीद रहे हैं जिनमें से उन्हें पढ़ाया जा रहा है। विद्यार्थी जो शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, जैसे सफलता के नए आयाम, कुछ कुंजियाँ खरीद लेते हैं, कुछ गैस पेपर तैयार कर लेते हैं, कुछ विद्यार्थी अपने घर से कुछ कागज पर नोट्स वगैरह तैयार करके ले जाते हैं, अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसी स्थिति नहीं बनना चाहिए और ऐसी स्थिति से बचने के लिए मैं विद्यार्थियों से कहता हूँ कि ये कभी इनसे कोई सफलता भी नहीं मिलती है। और अगर आपने चोरी छिपे अगर तीर में तुक्का चला दिया, छोटी मोटी सफलता प्राप्त कर भी ली, तो इनसे कोई जीवन अच्छा नहीं बनने वाला है। वो शिक्षा, वो ज्ञान जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, उसके लिए तो हमें निरंतर पढ़ाई करने की जरूरत है, उसको आचरण में उतारने की भी जरूरत है। अच्छी बातें जो है वो हमेशा आचरण में उतारने से ही आती है। और अगर आपने अपने विषय को, विशेष करके अंग्रेजी, गणित और जो सामाजिक अध्ययन, विज्ञान वगैरह जो अच्छे प्रश्न हैं, इनके 4-5 साल के प्रश्न पत्रों को आप हल करें, आप उनमें कुछ छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर खोजें, तो उससे भी आपको सफलता मिल सकती है। अगर आपने 6 महीने या 7 महीने आपने अभ्यास न भी किया है, निरंतरता आपके अध्ययन में नहीं है, तो मेरा निवेदन यह है कि आप तो केवल 5-6 साल के जितने भी पेपर्स हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं, लघु उत्तरी प्रश्न हैं, उन छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार करके भी अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। परीक्षाओं के दौरान कुछ लोग अवांछित सहारे भी परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं, जिसका जिक्र 16 फरवरी को परीक्षा पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी। आपने देखा होगा, विद्यार्थी सामान्य तौर पर सरस्वती की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ आराध्य देवी सरस्वती मानते हैं, लेकिन जिस दिन एग्जाम देने जाते हैं उस दिन हनुमान जी को क्या कारण है? ऐसा क्यों करते हैं? सामान्य तौर पे सरस्वती को विद्या की देवी के रूप में लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने के जाते हैं तो हनुमान जी का मंदिर होगा वहां जरा। मैं जब छोटा था तो मैं उसकी मजाक उड़ाता था और मैं कहता था कि हनुमान जी को इसलिए नमन करके जाता है कि अगर एग्जाम में चोरी करने के लिए कोई चीट लेके गया है और पकड़ा गया तो मास्टर जी को पता होना चाहिए कि हनुमान जी का भक्त है, दिखा देगा। खरगोन जिले में ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षा और उनके कानूनी अधिकारों के लिए सजग बनाने के लिए पुलिस विभाग अभियान चला रहा है। शनिवार को ग्राम पंचायत बलवाड़ी में पुलिस अफसरों ने महिलाओं को सशक्त बनने और संवैधानिक अधिकारों के उपयोग के लिए तत्पर रहने की अपील की। गांव की महिलाओं में कानून के प्रति विश्वास जगाने और सशक्तिकरण के अंतर्गत जागरूकता अभियान जारी है।
पुलिस के आला अधिकारी इन कार्यक्रमों के माध्यमों से महिलाओं पर होने वाले अपराधों में कमी लाना चाहते हैं। शनिवार को मैनगांव थानाग्रत जेतापुर चौकी के ग्राम बलवाड़ी में हुए कार्यक्रम में चौकी प्रभारी धीरेन्द्र मिश्रा ने ग्रामीण महिलाओं से संवाद स्थापित कर महिलाओं को कानूनी जानकारी दी। इस दौरान महिलाओं पर होने वाले विभिन्न अपराधों में पुलिस किस प्रकार मदद करती है यह भी बताया। इस दौरान सोनीपुरा प्रेमनगर क्षेत्र की महिलाएं भी मौजूद थी। यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की का बार बार पीछा करता तो ये आईपीसी की धारा 354 घ के तहत दंडनीय अपराध। यदि बार बार ऐसा करता तो 5-7 साल तक उसकी भी सजा का प्रावधान है। आज थाना मैनगांव क्षेत्र के अंतर्गत बलवाड़ी गांव पड़ता है, वहाँ महिला सशक्तिकरण के संबंध में उनको जानकारी देने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला संबंधी अपराधों के बारे में, महिला के सशक्तिकरण के संबंध में और महिलाओं को जागरूक करने हेतु एक अभियान चलाया गया था, जिनके तहत महिलाओं को जागरूक किया गया एवं ग्रामवासियों को भी इसके संबंध में जानकारी दी गई। क्या क्या जानकारी विशेष रूप से देखी गई? विशेष रूप से कानून के संबंध में जानकारी दी गई कि महिलाओं के जो अपराध घटित होते हैं, जैसे 354 की कायमी होती है आईपीसी के अंतर्गत, 376 के बारे में, उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई, किस प्रकार अपराध घटित होते हैं और उसके बाद क्या कानूनी प्रक्रिया रहती है, क्या कार्रवाई की जाती है, किस प्रकार उसका न्यायालय में चालान पेश किया जाता है और अग्रिम कार्रवाई किस प्रकार होती है, संबंध में जानकारी दी गई हमारे द्वारा। आज के दौर में कृषि वैज्ञानिक और सलाहकार प्रयोगात्मक खेती की सलाह दे रहे हैं। इस पर अमल करके सैकड़ों किसान कृषि घाटा कम करने में सफल हुए हैं। खरगोन जिले में महेश्वर क्षेत्र के ग्राम खराड़ी में कृषक सुरेश जैन और खेमराज पाटीदार ने 60 बीघा में शानदार मटर की उपज ली। उपज महाराष्ट्र और गुजरात के व्यापारी हाथों हाथ खरीद रहे हैं। अमूमन मालवा की मटर फली शुरू से ही निमाड़ में पसंद की जाती रही है, लेकिन अब निमाड़ के साहसी कृषकों ने भी मटर की फसल की बुआई बतौर प्रयोगात्मक कर इसका लाभ लेना शुरू कर दिया। महेश्वर तहसील के ग्राम खराड़ी के किसान सुरेश जैन और खेमराज पाटीदार ने अपनी जमीन के 60 बीघा क्षेत्र में प्रयोग के तौर पर मटर की फली की बुआई की थी। प्रयोग सफल रहा और उनकी उपज आज बोरों में भरकर महाराष्ट्र और गुजरात की मंडियों में बेची जा रही है। मटर बहुत बढ़िया है और पहला प्रयोग है निमाड़ क्षेत्र में। मैंने भी सोचा मिट्टी अनुकूल सब देखने के बाद में मटर का फैसला लिया और आज वर्तमान स्थिति देख के निमाड़ में भी एक अच्छी फसल तैयार हो सके। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। वेदांश ट्रेवल्स 9 वर्ष में आपको दे रहे हैं तीर्थ यात्रा करने का स्वर्णिम अवसर, जिसमें मां नर्मदा परिक्रमा, ओंकारेश्वर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर, द्वारका, अमरकंटक, चित्रकूट। पूर्व किराया 12,000, अब मात्र 10,000 में। यात्रा समय 20 से 25 दिन। प्रस्थान 26 फरवरी 2018। एक धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश। पूर्व किराया 17,000, अब मात्र 15,000 में। यात्रा समय 22 से 25 दिन। प्रस्थान 12 अप्रैल 2018। यात्रा के दौरान प्रति रात्रि को भागवत कथा का रसपान होगा, साथ ही रात्रि में बस नहीं चलती है, जिससे आपकी यात्रा आरामदायक रहती है। तो आज ही अपनी सीट बुक करवाएं, इस छूट का फायदा उठाइए। वेदांश ट्रेवल्स, पंडा सचिन, मोबाइल नंबर 9479463370799619577। अरे वाह, कितना सुंदर घर है, ये ग्रेनाइट कहाँ से मंगवाया? शिवसाई मार्बल्स एंड स्टोन से। और ये ग्लेस टाइल्स और ये विट्रीफाइड? ये भी शिवसाई मार्बल्स एंड स्टोन से। और ये बड़ौदा ग्रीन और ये मार्बल? अरे ये भी वहीं से। और ये स्कॉटिंग, ये कहाँ से लिया? अरे ये भी शिवसाई मार्बल्स एंड स्टोन से ही लिया है। शिवसाई मार्बल एंड स्टोन्स खरगोन में, पर कीमत और भरोसा? अरे शिवसाई मार्बल्स एंड स्टोन्स खरगोन शहर का सबसे विश्वसनीय स्थान है, जहाँ एक ही छत के नीचे कोटा स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, बड़ौदा ग्रीन, ग्लेस टाइल्स, विट्रीफाइड, वॉश बेसिन, टॉयलेट शीट, स्कॉटिंग, टप्पे, राइजर, ब्लॉक और मिरर भी बहुत ही वाजिब दामों पर
भरोसे के साथ मिलते हैं। हम हैं शिवसाई स्टोर एंड मार्बल। मात्र 10,000 रुपए से ऊपर की नकद खरीदी पर प्रथम पुरस्कार आप पाएंगे मारुति अल्टो, द्वितीय पुरस्कार हीरो डिलक्स मोटरसाइकिल, तृतीय पुरस्कार टीवीएस हैवी ड्यूटी, इसके अलावा एलसीडी, साइकिल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल और ढेरों सांत्वना उपहार भी, और साथ ही 1 टन से अधिक की खरीदी पर थोक भाव के साथ खरगोन शहर वासियों के लिए भाड़ा भी फ्री है। शिवसाई मार्बल्स एंड स्टोन, एचपी पेट्रोल पंप, मनीष मार्केट के सामने, डालकी पुल के पास, कसरावद रोड, खरगोन। संपर्क करें कमल यादव, कॉन्टेक्ट नंबर्स 9993।